अदानी फाउंडेशन सामाजिक कल्याण एवं समाज विकास प्रतिबद्ध 1996 मसीह स्थापन होता अदानी फाउंडेशन रो उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकास द्वारा देश में समाज दुर्बल श्रेणी जीवन में परिवर्तन आनिबा। अदानी फाउंडेशन निजर कार्यक्रम जरिया ग्रामांचल विकास महिला सशक्तिकरण एवं परिवेश सुरक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहित कर आसुचे। अदानी फाउंडेशन लक्ष्य देशर प्रत्येक नागरिक को एक उत्तम जीवन जीवार सुजोग मिलु जहाँफल संपूर्ण समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आसीपार। अदानी फाउंडेशन रो सुपोषण संगीनी कार्यक्रम उद्देश्य परिवार समुदाय एवं समाज को समृद्ध करिबा। एही योजना शिक्षा स्वास्थ्य एवं जीविकार सम्मिश्रण। एही योजनार लक्ष्य 5 वर्षर कम बयसर पिला किशोरी गर्भवती और प्रसूति मानक मध्यरे रक्तहीनता और कुपोषण दूर करिबा। सुस्थ शिशु सुस्थ मां समृद्ध समाज। जदि उभय मां एवं पिला सुस्थ हुवंती तबे समाज समृद्ध हेबाकु केही रोकी पारिबे नाही। सेथिपई अदानी फाउंडेशन रो सुपोषण संगिनी एहार लक्ष्य रक्तहीनता और कुपोषण रो मूलोत्पाटन करिबा। योजनारे मुख्य भूमिका रहिछि सुपोषण संगिनींकर। समस्ते जानिछन्ति भारत में सर्वाधिक कुपोषण शिकार शिशु रहउछन्ति। 1975 मसीह भारत सरकार पक्षर सामुदायिक पोषण कार्यक्रम करा मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले महिला स्वेच्छासेवी। एहा ही सुपोषण संगिनी प्रेरणार उत्स। वर्तमान एही प्रकल्प देशर 12 राज्य में कार्य करुछि। योजनार टार्गेट रहिछन्ति 5 वर्षर शिशु गर्भवती महिला एवं प्रसूति माँ। योजनार सफलता स्थानीय करे सचेतन करुछंती। तथ्य अनुसारे ए अंचल रे गर्भवती पंजीकरण 100% रहिछे। मामिना प्रधान ओडिसा रो दोसिंगा ग्राम पंचायत रो रविंद्र नगर गाँव मामिना प्रमाणित करिछंती शिक्षा पाई कौनसी निर्दिष्ट बयसर आवश्यकता नाही।
स्वामी छाड़ी चली जापर एक छोट पुओ को धरी दुर्दिन दिन काटुवा मामिना सुपोषण संगीनी होते यापर मैट्रिक पर्यंत पढ़ी मामिना पर युक्त दुई एवं ग्राजुएट होते पाथोलोजी ट्रेनिंग नहीं मामिना एवं स्वावलंबी सांफा घोराई दास पश्चिमबंग हलदिया जिला शिवरामनगर सांफा ग्रामांचल ऋतुस्राव जनित स्वच्छता को नहीं सचेतनता को नहीं बेस लोकप्रिय विभिन्न अपहंच इलाकार सानिटारी नापकिन अभाव एवं विभिन्न सामाजिक कुप्रथा जो अस्वास्थ्यकर अभ्यास कर आसुले महिला एवर्तन अंटा भिड़ते निजस्व प्रतिष्ठा घरे सानिटारी नापकिन उपलब्ध कराइवा सचेतन करते सुचित्रा माझी भद्रक करंजमाल सुचित्रा गत तीन वर्ष है सुपोषण संगीन भाव काम करसुंच प्राकृतिक दुर्विपाक जो अनेक क्षति सहपर निजर पर भरण पोषण पर आदानी फाउंडेसन काम करते सुचित्रा से गाँव अशी महिला छतु उत्पादन और स्नाक्स तैयारी लगे जो महिला प्रतिमास चारि हजार टंका रोजगार करोट आदानी फाउंडेशन सदा सर्वदा समाज शेष पहाच मनीष पाखे पहुंची पारी असहाय को सहायता दे गरीबों दुर्दिन साथी हो जीविका प्रदान सह जनता जीवन रेखा पलटि आदानी फाउंडेशन गरीब असहायक साथी आदानी फाउंडेशन अघटन हो कि दैवी दुर्विपाक सब जनता रही आदानी फाउंडेशन जमी गुजरात गांधीनगर मोरबी में अनाथ पिलांको जीवन रेखा पलटि आदानी फाउंडेशन मोरबी में झूला पोल दुर्घटना केवल बापा किंबा माँ कि उभय बापा माँ को हर 20 पिला पांच कोटी टंकार सहायता राशि घोषणा करता आदानी फाउंडेशन झूला पोल दुर्घटन 7 पिला उभय बापा और माँ को हर अन्य 12 जन बापा और माँ मध्य कौन जन को हर मोरबी जिला प्रशासन सहित मिसी आदानी फाउंडेशन एभले अनाथ पिला 25 लक्ष लेखाएं सहायता राशि प्रदान करथिला केवल एति किरे अटकी नथिला आदानी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश लक्ष्मीपुर खेरीर 10 वर्ष असहाय लवली को सहायतार हाथ बढ़ाई आदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम आदानी निजर एक सैंडेले गौतम आदानी कहते गोटे झीर पिलादिन को एमित केही छड़ाई नहीं पारे एमती कम बयस लवली और अजा और माँ का संघर्ष दर्शाऊ जे आम भारतीय परिवार केवे हार मान्य ना आदानी फाउंडेशन पक्षर लवली को उत्तम चिकित्सा सुविधा मिले अन्य पिला पादरे पाद मिले आगक बढ़ा लवली आम समस्ते लवली सहित अच्छा गौतम आदानी स्कूल पढ़ुआ लवली निजर अजा आई सहित रोचे माँ मरीगला बापा अन्य जन को विवाह कले पाटी दिन लवली बाम गोड़ और हाथ बंका होम हाथ में किंवा बाम गोड़े लवली किसी कष्टर सेमती आज जन दिव्यांग प्रतिभा जम्मू काश्मीर क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन को सहायतार हाथ बढ़ाई आदानी फाउंडेशन पादर बोलिंग कांध और बेक मझे बैट धरी बैटिंग करी चर्चा को आसते ए पारा क्रिकेटर आदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम आदानी निजर एक्स पोस्ट क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन को प्रतिभा को भूरी भूरी प्रशंसा करते जम्मू काश्मीर 34 वर्षीय आमिर हुसैन लोन पारा क्रिकेट टीम अधिनायक 2013 मसीह से पेशादार क्रिकेट खेला भाव खेली क्रिकेट खेल स्टाइल निरा जिते 8 वर्ष होते बापा मिले दुर्घटन उभय हाथ हर आमिर मात्र से निजर आशा हर कठिन परिश्रम बल से आज एठार पहुंची पार्टी दुख समय असहायक निकटे आवश्यक सहायता पहुंचे आसुची आदानी फाउंडेशन लक्ष लक्ष गरीब और प्रतिभा जीवन आनी पर 1996 गठन कर आदानी फाउंडेशन विश्वव्यापी कम कर स्वेच्छासेवी संगठन गुड़िकर गोटे जार जनाभिमुखी कार्य देशर 24 न गाँव में पहुंची पार्टी उपकृत होती 3.7 मिलियन लोक ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज केवल असहाय आदानी फाउंडेशन उपकृत होहे प्रतिभा को प्रोत्साहित करमती चेस ग्रांड मास्टर आर प्रज्ञानंदा यह प्रतिभावान चेस खिलाड़ी को सहायता जोगाई आसुची आदानी ग्रुप
18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा विश्वर एक सर्वकनिष्ठ ग्रैंडमास्टर को सहायता करियासुची अदानी ग्रुप भारत पई प्रसिद्धि आनिथिबा खेलाड़ी मानंकु सहायता जोगाइ देबाकु कार्लसेन को एकाधिक थर हरायबा परे विश्व चेस रे समस्तक नजर को आसीथिले चेस क्षेत्र रे भारतर चमक तारका भाबे गणना होइथिले प्रज्ञानंदा गणित को विशेष भाबे भल पाउथुपा चेन्नई रो एही चेस खेलाड़ी हैंगजू एशियन गेम्स 2023 जितिथिले 5 वर्ष बयस रु चेस खेल आरंभ करथिले प्रज्ञानंदा 2018 मसिया रे 12 वर्ष बयस रे विश्वर द्वितीय कनिष्ठ चेस खेलाड़ी होइथिले से ग्रांड मास्टर उपाधि हासिल करिबारे पंचम सर्वकनिष्ठ चेस खेलाड़ी एहा पूर्वरु थिले अभिमन्यु मिश्र सर्जी कार्जकिन गुकेश टी एवं जाभखिर सिंड्रोम संजोग बशतः प्रज्ञानंदांक बड़ भौणी आर वैशाली मध्य ग्रांड मास्टर अदानी ग्रुप्र फ्लैगशिप कार्यक्रम गर्व हे कार्यक्रम जरियारे देशव्यापी 28 जन क्रीडाविद को बॉक्सिंग रेसलिंग टेनिस जावलिन थ्रो शूटिंग रनिंग शॉटफुट ब्रिस्क वॉकिंग एवं तीरंदाज रे सहायता दिया जाउछे सेमानक मध्यरे कुश्ती योद्धा रवि कुमार दहिया दीपक पुनिया एवं बॉक्सर अमित पंघल स्वर्ण पदक जीतिथिले एहा सह दहिया एवं पुनिया 2020 टोकियो ओलंपिक एवं 2023 एशियन गेम्स रे रौप्य पदक जीतिथिले ब्यूरो रिपोर्ट आर्कस न्यूज समाजर निम्न श्रेणी में रही आसीथिबा मणिषर आशार किरण साजिछि आदानी फाउंडेशन गरीब मेधावी छात्र छात्री को उच्च शिक्षा पाई सहायता देउछि आदानी फाउंडेशन आदानी ज्ञानज्योति स्कॉलरशिप नारे वार्षिक सर्वाधिक 3.5 लाख टंका पर्यंत छात्रवृत्ति प्रदान करि आसुछि आदानी फाउंडेशन सामाजिक संतुलन क्षेत्र में आदानी ग्रुप्र बड़ योगदान रही बेले शिक्षा क्षेत्र में गरीब और प्रतिभावान छात्र छात्री को प्रोत्साहित कर आसुची आदानी फाउंडेशन एथिपाई रही छात्रवृत्तिर व्यवस्था आर्थिक दुर्बल पिलाई उच्च शिक्षा लगी छात्रवृत्ति ना है आदानी ज्ञानज्योति स्कॉलरशिप 2024-25 प्रोफेशनल कोर्स एडमिशन नहीं प्रथम वर्षर छात्र छात्री जो मैंने जेईई नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एवं अर्थनीति इत्यादि प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करथिबे सेमानक पई वार्षिक 3,50,000 टंकार वृत्ति व्यवस्था रखी आदानी फाउंडेशन आईन पाठ्यक्रम छात्र छात्री आदानी ज्ञानज्योति स्कॉलरशिप 5 वर्षिया डुआल डिग्री एलएलबी पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष आवेदन करें आवेदनकारी आंध्रप्रदेश राजस्थान गुजरात, ओडिशा किंवा छत्तीसगढ़ होते सीएलएटी रे सर्वभारतीय स्तर में 10,000 रैंक मध्ये थिबे एतिसो परिवार रो वार्षिक रोजगार 4,50,000 टंकारु अधिक होइ नथिबो चयन हेला परे संपृक्त छात्र छात्री को वार्षिक 1,80,000 टंकारो ट्यूशन फी भावे मिलिबो चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यक्रम में थिबा सही छात्र छात्री आवेदन करिपरिबे जो माने वाणिज्य रे स्नातक पढ़ुथुबा सह समांतरल भावे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करथुबे संपृक्त छात्र छात्री आंध्रप्रदेश राजस्थान गुजरात ओडिशा किंबा छत्तीसगढ़ होइथिबा सह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रो प्रवेशिका परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिबे परिवार रो वार्षिक रोजगार 4,50,000 टंका रो अधिक होइनथबो
ଏଥିରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବେ ବାର୍ଷିକ 70,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ମିଳିବ। ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ର ହୋଇଥିବା ସହ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଅତିକମ୍ରେ 75% ସ୍କୋର ରଖିଥିବେ। ଚୟନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ନିଟ୍ରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବ। ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 4,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଉଚିତ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବେ ବାର୍ଷିକ 3,50,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଭାବେ ମିଳିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ JEE ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବା ସହ କଟ୍ଅଫ୍ 1,00,000 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଚୟନ ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଭାବେ ବାର୍ଷିକ 2,50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା ଜରିଆରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ତେବେ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ନିଜସ୍ୱ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମୟ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସହାୟତା କରିଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଯେମିତିକି ନିକଟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଭେଟି 100 କୋଟିର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଜାରି ରଖିବା ନେଇ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିଏମ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ସରକାରୀ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ବର୍ଷଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସରୁ ହିଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ଉପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଆପୋଲୋ, AIG, ଲେନ୍ସକାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ଅଲ୍ କାର୍ଗୋ, ପ୍ରୋ କନେକ୍ଟ ଏବଂ O9 ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 2,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର 150 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି 100 କୋଟିର ଅନୁଦାନ। 1996 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 19 ରାଜ୍ୟରେ 6,769 ଗାଁରେ କାମ କରୁଛି। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରପର୍ସନ ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠନ ପାଖାପାଖି 91,00,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେବଳ ଯେ ସମାଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏହା ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବନ ପଣ୍ଡିତ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ବିପଦ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ସବୁଜ ବଳୟର ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ର କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ 11,50,000 ଚାରାରୋପଣ ସହ 9,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ 1,70,000 ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମଠୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିସାରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ।
गुजरात मुंद्रा रे वनीकरण पाई आदानी फाउंडेशन को मिली वन पंडित पुरस्कार। गुजरात सरकार पक्ष आदानी फाउंडेशन को दि जाए पुरस्कार। 2022-23 मसीह वृक्षरोपण क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था भाव उभा होई आदानी फाउंडेशन। ए समय रे आदानी फाउंडेशन पक्ष 1.70 लक्ष वृक्षरोपण करपाई देवभूमि द्वारका गत अगस्ट 8 तारीख में राज्यस्तरीय वन पर्व आदानी फाउंडेशन को सम्मानित कर सफलता। आदानी फाउंडेशन को देशर वृक्षरोपण क्षेत्र में काम करने को अन्य अनुष्ठान गुड़िक मध्यरे आगरे रखी। यह आदानी फाउंडेशन को आहुरी वनीकरण पर प्रोत्साहित कर। एहि वर्ष आदानी फाउंडेशन पक्षर 57,000 वृक्षरोपण करा जिबो। गुजरात सरकार पक्षर मार्च 2025 सुधा 17 कोटी वृक्षरोपण पर लक्ष्य रही। आदानी फाउंडेशन पक्षर मुंद्रार नाना कपाइया गाँव में 2020-21 कोविड समय वृक्षरोपण आरंभ होता। समस्त गाँव लोक एकाठी हो घंच जंगल सृष्टि कर 40 प्रकार 6,000 वृक्षरोपण हो अधिकांश औषधीय वृक्ष। से 2022 मोती भुजपुर ग्राम पंचायत और श्री माता सेवा ट्रस्ट उभय मिलित भाव 25,000 वृक्षरोपण करते गाँव लोकों द्वारा वृक्षरोपण को सफल कराई आदानी फाउंडेशन। मुंद्रा ब्लक 35 गाँव 150 अंचल में आदानी फाउंडेशन पक्ष वृक्षरोपण अभियान जारी रही। कम्युनिटी फॉरेस्ट रे आदानी फाउंडेशन पक्ष गाँव लोक नियोजित कर वृक्षरोपण अभियान में पखापाखि 60 स्कूल गाँ मशाणी खेल पड़िया धार्मिक स्थल व्यापक मात्रा रे वृक्षरोपण होई जहाँफल एवं सुधा 4,000 मेट्रिक टन कार्बन प्रदूषण रोका जाई। आदानी फाउंडेशन प्रतिवर्ष 1,70,000 वृक्षरोपण पर योजना रखी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।